नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है साइक्लोन यास की। ये लगातार ताकतवर हो रहा है, इसकी वजह से किन किन इलाकों पर असर पड़ेगा, कहां पर ये लैंडफॉल करेगा, इस सब की जानकारी के लिए आइए बात करते हैं मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी से। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महापात्रा जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। नमस्कार सर, इस समय की बात करें तो क्या स्थिति है, क्या इस तूफान ने डायरेक्शन बदली है और मौसम विभाग ने अपने फोरकास्ट को अपडेट किया है? ये जो तूफान अभी एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म के हिसाब से नॉर्थ बे ऑफ बंगाल पे केंद्रीभूत है, पारादीप से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व दिशा में ये केंद्रीभूत है। 5-6 आवर्स में ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में आगे बढ़ रहा है और अगले 6 घंटे में ये ज़्यादा स्ट्रेंथ लेकर एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो सकता है और इसका मूवमेंट उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में रहेगा और कल सुबह 5:30 से 6 बजे के अंदर ये उड़ीसा तट के पास को आएगा। जैसे कि धामरा पोर्ट है, धामरा पोर्ट से लगभग 30 किलोमीटर डिस्टेंस पे राइट पे केंद्रीभूत होगा कल अर्ली मॉर्निंग पे। इसके बाद ये उत्तर पश्चिम दिशा पे गति करके धामरा और बालासोर के बीच तट को पार करेगा और जब कल अर्ली मॉर्निंग में ये पहुंचेगा कोस्ट के नज़दीक होगा तब इसका विंड स्पीड 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा होने का उम्मीद किया जा रहा है और यही विंड स्पीड के साथ ये साइक्लोन दोपहर तक टुमोरो मान 26 में दोपहर को उड़ीसा तट को धामरा और बालेश्वर के बीच पार करेगा और इसके प्रभाव में सबसे ज़्यादा बारिश नॉर्थ उड़ीसा के एरिया में होगा, जैसे कि हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल विथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। बारिश ऑलरेडी शुरू हो गया है कल से, आज भी वेरी बारिश वेरी माने हेवी रेनफॉल हो रहा है, हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल आज होगा और कल हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल के साथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होगा। आज कोस्टल उड़ीसा में ज़्यादा हो रहा है, कल कोस्टल प्लस नॉर्थ उड़ीसा में बारिश होगा। इसके साथ साथ जो सामुद्रिक लहर है वो भी 2 से 4 मीटर हाइट का भद्रक और बालासोर जिले में आने का उम्मीद किया जा रहा है और केंद्रापड़ा जगतसिंहपुर जिले में 2 मीटर की लगभग हाइट में स्टर्म सर्ज आने का उम्मीद किया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टर्म सर्ज इसलिए बालासोर भद्रक में होगा, जैसे 2 से 4 मीटर, क्योंकि ये एरिया राइट साइड में रहता है ट्रैक के और ये जो एरिया है प्लेन एरिया है जहाँ ज़्यादा स्टर्म सर्ज यूजुअली होता है कोई साइक्लोन के साथ और विंड स्पीड भी यही चारों जिला है, जैसे केंद्रापड़ा, भद्रक, जगतसिंहपुर, बालासोर, ये चारों जिला में सबसे ज़्यादा विंड स्पीड रहेगा जो मैक्सिमम स्पीड 155 to 165 हो सकता है और इसका जो इम्पैक्ट वेस्ट बंगाल के ऊपर है, बालासोर से नीचे ट्रैक जा रहा है इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट अभी जैसे हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे नहीं, तो थोड़ा से कम होगा वेस्ट बंगाल के ऊपर। फिर भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेनली साउथ रणपुर परगना, नॉर्थ रणपुर परगना और मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में 90 to 120 किलोमीटर विंड स्पीड रहने का उम्मीद हम कर रहे हैं और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है। और इसके साथ साथ जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जैसे हावड़ा, हुगली, कलकत्ता और बांकुड़ा, पुरुलिया, वहाँ भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगा और विंड स्पीड 60 to 90 km/h तक जा सकता है। जब साइक्लोन तट को पार करेगा कल दोपहर के आसपास विंड स्पीड धीरे धीरे कम होगा, इसलिए कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स जो है वहाँ विंड स्पीड अपराह्न तक माने आफ्टरनून तक रहेगा, इसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा। मगर सेम टाइम पर जो नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल वहाँ 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड हो सकता है। इसके साथ साथ जो अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जैसे केवंझर है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी विंड स्पीड
लगभग 80-90 KMPH हो सकता है। भुवनेश्वर कटक जो मेजर सिटी है वहाँ भी हैवी रेनफॉल होने का हम उम्मीद कर रहे हैं और विंड स्पीड वहाँ 60-80 KMPH गस्टिंग टू 90 KMPH हो सकता है। सो और दूसरा जो जाजपुर हुआ, ढेंकानाल हुआ, वहाँ भी विंड स्पीड 80-90 KMPH गस्टिंग टू 100 KMPH हो सकता है। 27 तारीख सुबह ये जाकर झारखंड में पहुंचेगा, तब ये वीक होकर एक 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड हो सकता है वहाँ। सो ये ज़्यादा खतरनाक विंड स्पीड नहीं है, इसलिए जो इंटीरियर उड़ीसा और कोस्टल उड़ीसा में ज़्यादातर विंड का इम्पैक्ट रहेगा और वो इम्पैक्ट अर्ली मॉर्निंग ऑफ 27 तक रहेगा इंटीरियर उड़ीसा में, और कोस्टल उड़ीसा में शाम तक रहेगा। और जो सी कंडीशन है वो तो बहुत डिस्टर्ब है, अभी फेनोमेनल सी होने वाला है ओवर नॉर्थ बे ऑफ बंगाल, इसलिए सभी शिपिंग ऑपरेशन, फिशिंग ऑपरेशन, पोर्ट सब रेगुलेट किया गया है, हम भी वार्निंग दे रहे हैं। सर एक सवाल उठता है, जब झारखंड में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होना है तो छत्तीसगढ़ पर भी कोई असर आएगा या बिहार पर भी इसका असर आएगा? मेनली बिहार में आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है, साउथ हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में आसाम भी भारी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है, आसाम मेघालय में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल हो सकता है, नॉर्थ छत्तीसगढ़ एरिया में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने का उम्मीद है, सिमिलरली ईस्ट यूपी के ऊपर, और हैवी रेनफॉल वगैरह वहाँ होने का इतना पॉसिबिलिटी नहीं। सर अगर हम 26 तारीख की बात करें तो 26 को सर एक चंद्रग्रहण भी है, यानी क्या हाई टाइड की संभावना रहती है, इससे क्या चक्रवात और ज्यादा जो है खतरनाक हो जाता है? जो फुल मून डे होता है और न्यू मून डे होता है उसमें एस्ट्रोनॉमिकल टाइड ज्यादा आता है, और ये फुल मून डे में साइक्लोन आ रहे हैं, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है शाम के टाइम जब फ्री एस्ट्रोनॉमिकल टाइड ज्यादा होता है। इसलिए दोनों जो एरिया है भद्रक बालासोर डिस्ट्रिक्ट और 24 परगना और मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट कोस्टल एरिया, वो सभी बहुत प्लेन एरिया है, ऐसे ही फुल मून डे में वहाँ ज़्यादा एस्ट्रोनॉमिकल टाइड आता है, और ये जो हम 2-4 meters हाइट का एस्ट्रोनॉमिकल टाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, सो ये साथ मिलकर ज़्यादा लो लाइन एरिया का इनंडेशन हो सकता है। सर एक आखिरी सवाल है कि इसका मानसून पर अब क्या इम्पैक्ट दिख रहा है आप लोगों को? अभी जो साइक्लोन है वो तो मानसून फ्लो से डिटैच हो रहा है, अभी धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, सो 27 तक ये डिसिपेट हो जाएगा, देन जो एनवायरनमेंट है वो अपना ओरिजिनल कंडीशन को वापस आ जाएगा, फिर मानसून जैसे आगे बढ़ना है ऐसी स्थिति रहेगा। इसलिए जो हम पूर्वानुमान किए हैं 31 वही पूर्वानुमान साथ अभी हम खड़े हैं, कोई चेंज हम नहीं किए हैं। महापात्रा जी आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज़ स्टेशन से बातचीत के लिए, तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।